गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सब? और आज है लक्की पूजा, तो मेरे घर पे लक्की पूजा का तैयारी चल रहा है जोरों शोरों से। तो हमारे ठाकुर मशाई आ गए हैं, देखो पूजा में बैठ भी गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह का पूजा है ना, तो अभी सारे तैयारी चल रहा है। तो यहाँ पे अभी ये देखो मैदा का पूरी बनेगा, लूची और सूजी बना लिया है, तो यहाँ पे बना रहे अभी। और यहाँ पे मामी अभी आलबोना दिया है, लेकिन आलबोना अभी ये सूखेगा तभी दिखेगा, अच्छे से नहीं दिख रहा है। और अभी ठाकुर मशाई अपना प्रसाद बना रहे हैं, छिन्नी भोग, और ऐसे ही सजाया अभी। देखो तो मेरे मंदिर को इस तरह से, अभी थोड़ा सा बाकी है डेकोरेशन, पूरा करके दिखाती हूँ। करा रही हूँ पंचतंत्र से, माँ लक्ष्मी का स्नान हो रहा है अभी। तो यहाँ पे मैंने पंचतंत्र ले लिया है और पंचतंत्र से अभी माँ लक्ष्मी का मैं स्नान करा रही हूँ। उसके बाद माँ का सारे श्रृंगार करूंगी और हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है अभी। तो आज मेरा माँ लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है साथ में, तो आज पूजा करी लक्ष्मी पूजा के दिन ही मैं अपना माता का प्राण प्रतिष्ठा भी करा रही हूँ साथ में। मैं कुछ दिन पहले ही कोलकाता से लेके आई थी माता को, लेकिन आज ही बैठा रही हूँ मैं पूजा करी लक्ष्मी पूजा के दिन। और मेरा मंदिर कुछ इस तरह से अभी सजाया है, अभी दिखाते हो थोड़ी देर बाद अच्छे से। तो ये कमल का फूल माँ को एक चढ़ा दिया है, ये कमल का फूल। तो कल बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने कमल का फूल का जुगाड़ किया है। देखो मेरी माता कितना सुंदर लग रहे है, लक्ष्मी माँ। तो माँ लक्ष्मी अपने आसन में बैठ गई है, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। तो ये मेरा मंदिर, तो आज मेरा मंदिर का जो है प्रतिष्ठा, मंदिर और माँ लक्ष्मी को एक साथ ही मैं प्रतिष्ठा करा रही हूँ घर में। तो पूजा करी लक्ष्मी पूजा के दिन ही करा रही हूँ। तो ये मेरा नया मंदिर है, आज ही सारे भगवान को बैठा के मंदिर का प्रतिष्ठा करा रही हूँ मैं। कैमरामैन को भी दे दिया, ये लो ये। तो
तो प्रसाद में मैंने क्या क्या दिया, यहाँ पे फ्रूट्स, ये लूची, ये जो गुड़ वाला मुरमुरा है, और यहाँ पे छिन्नी भोग है, और यह नैवेद्य है, यह तरबूज फ्रूट्स में, यह हलवा नाड़ू, और यहाँ पे तिल का नाड़ू है, मुआ है, और कदमा है, बहुत सारी मिठाई है जो यहाँ पे है। तो माँ का भोग में मैंने ये सब दिया है, ये सारे प्रसाद मैंने दिया है आज माँ लक्ष्मी को, और इसमें से ज्यादा प्रसाद ही मैंने खुद बनाया घर पे। तो मेरा माँ लक्ष्मी का पूजा हो गया है, और अभी नारायण का पूजा है जो है हवन वगैरह होगा। तो देखो मेरे माँ लक्ष्मी कितना सुंदर लग रही है। तो लहंगा पहनाया मैंने माँ को, पूरा सिंगार करके बैठाया है, और यहाँ पे नारायण है, क्योंकि लक्ष्मी को आज प्राण प्रतिष्ठा करा रही हूँ, तो नारायण का भी पूजा करना जरूरी है, इसीलिए दोनों का ही पूजा हो रहा है अभी। और यहाँ पे मेरे सारे भगवान जो मेरे छोटे मंदिर में थे ना, सारे मैंने यहाँ पे आसन में बैठा दिया। तो ऐसे लग रहा है कुछ इस तरह से। मैंने आज अच्छे से डेकोरेशन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अभी सब अकेली किया है, कोई हेल्प करने वाले नहीं थे, तो इसीलिए ज़्यादा मैं सजा नहीं पाई मंदिर को। तो दिवाली के टाइम बहुत सुंदर से सजाऊँगी, फिर से वीडियो करूँगी। तो अभी मैं लक्ष्मी माता को, मेरे को बैठाना तो बहुत सारे काम था, तो ऐसे ही मंदिर का स्थापना भी हो गया है, माँ लक्ष्मी का पूजा कंप्लीट, अभी सत्यनारायण का हवन होगा, फिर पूजा कंप्लीट हो जाएगा। हवन की तैयारी चल रहा है। लक्ष्मी का अल्पना दिया है, देखो मेन गेट से लेके ऊपर तक इस तरह से अल्पना दिया है, तो मैंने नहीं दिया है, मेरे मामी ने दिया है, ये देखो। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ ऊपर। तो इस तरह से हमने ऊपर अल्पना दे के ऊपर तक लेके गए हैं सीढ़ी के। तो हमारे ऐसे लक्ष्मी का अल्पना देते हैं, तो मेरे को ठीक से नहीं आता है, मतलब आता है, लेकिन मामी को आज बोला है मैंने
तो मामी ने दे दिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मामी अल्पना दे दिया है। हाँ हाँ तो अभी हवन में बैठूंगी। नमो श्री विष्णु तत्सत् अद्य पुण्य हरि विशिष्ट भारत भूतृदेशे कार्तिके मासि शुक्ले पक्षे पुण्यम्मां पुण्यतिथौ काश्यप गोत्रस्य गोत्राय उत्तम विश्वास जया विश्वास दासी सपरिवारस्य विद्याबुद्धि धन सम्पत्ति व्यवसाय वाणिज्य सर्वरोग ग्रह प्रसन्नार्थ सिद्धार्थ कामनार्थाय श्री गुरु गणपत्यादि पंच देवता सर्वाभ्य देव देवीभ्य पूजा कर्म सहित सत्य नारायणाय पूजा कर्म मातलक्ष्मी देवी प्राण प्रतिष्ठा कर्म सहित पूजा कर्म होम कर्म अष्टाविंश विसर्ज विलवत्र सें मात महालक्ष्मी देवी स्वाहा इति मंत्र जपकितेन होम कर्म परमान करिष्ये। यहाँ पे तैयारी चल रहा है, ये देखो लूची, तो लूची तो हो गया है, भगवान को भी वहाँ पे रख दिया है मंदिर में, पूजा में चढ़ा दिया है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स सब्जी है, खिचड़ी की तैयारी चल रहा है, मामी अभी खिचड़ी बनाएगी, उसके बाद बहुत कुछ बनाना है अभी। ये तो पूजा का प्रसाद है, फिर पूरी और आलू की सब्जी भी थोड़ी देर बाद आपके खाना अभी बनाऊँगी, पूजा में टाइम लग गया ना। तो अभी देखो सबको प्रसाद दिया है लक्ष्मी पूजा का, हमारे सब पड़ोस के बच्चे हैं ये। तो मेरा पूजा हो गया है, पंडित जी अभी चले गए हैं, और यहाँ पे सब बच्चों का भी प्रसाद दे दिया है, बच्चे प्रसाद खा रहे हैं। और अभी मतलब पूरी बनाऊंगी आलू की सब्जी, तो भंडारा भी लगाऊंगी शाम को, सब लोग आएंगे हमारे पड़ोस के, तो उसका अभी तैयारी करूँगी बनाऊँगी। तो यहाँ पर पूजा कम्प्लीट हो गया है। तो मेरा माँ लक्ष्मी देखो कितनी सुंदर लग रही है, आज मैंने लहंगा पहनाया माँ को, लहंगा पहनाया और ऐसे सजाया है। तो अभी लक्ष्मी पूजा का प्रसाद खा रहे सब बैठ के, तो मैं भी अभी थोड़ा प्रसाद खाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी नीचे, जाके भंडारा का प्रसाद बनाऊंगी, मतलब भंडारा का जो है आलू की सब्जी पूरी है आप खिलाऊंगी, हमारे पड़ोसी अड़ोसी सब आएंगे उनके लिए बना रही हूँ, और प्रसाद भी साथ में दूंगी, और जो बच्चे आए थे अभी उनको भी प्रसाद दे दिया है, और हमारे घर के लोग अभी बैठ के यहाँ पे प्रसाद खा रहे देखो। तो मेरे घर में इस बार रिश्तेदार नहीं आया क्योंकि सबके घर में कोजागरी लक्ष्मी पूजा है, सब अपने पूजा में बिजी है कहो, तो इसी वजह से इस बार बहुत कम लोग आए हैं। तो हमारे जितने पड़ोसी अड़ोसी है उन सबको बोल के आई, वो आएंगे सब लोग अभी प्रसाद लेने। तो मेरे घर का लक्ष्मी पूजा बहुत ही अच्छे से हुआ है, और मेरा माँ आसन में बैठ गई है लक्ष्मी माँ, तो रेगुलर अब जब मैं पूजा करूँगी तो मेरा नया मंदिर के सामने ही मैं इंट्रो दूंगी देखना। तो अभी तो पूरा आज आसन बैठाया है, तो मेरा जो है मंदिर का भी आज हो गया प्रतिष्ठा, माँ लक्ष्मी का भी प्रतिष्ठा हो गया है, और जो सत्यनारायण का पूजा भी साथ में हुआ है ना, तो हवन वगैरह हुआ है, माँ लक्ष्मी को बैठाने से फिर नारायण का भी पूजा करना पड़ता है, दोनों को साथ में पूजा होते है, तो सब हो गया है। और सुबह ना 9 बजे से पहले पंडित जी आ गए थे मेरे घर, मैंने पूरे रात नहीं सोया, पूरे रात भी इतना सारे तैयारी करके 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे की करीब सोई थी, सुबह 5:30 बजे जाग गई, तो 5:30 बजे से लेके अभी तक काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी जाके लिमटी हूँ, तो अभी थोड़ा अभी फ्री नहीं हुई हूँ, अभी पूरी पूरी बनाने जा रही हूँ, तो शाम तक फ्री हो जाऊँगी। तो चलो अभी नीचे जाती हूँ, नीचे जाके बनाती हूँ पूड़ी उड़ी। तो यहाँ पे आलू की सब्जी रेडी है, खिचड़ी है, इधर खिचड़ी है, आलू की सब्जी रेडी है, और अभी पूरी बनाऊंगी।
सुवर्ण अभी अभी सारे काम खत्म करके फ्री हुई हूँ, मतलब खाना वाना खा लिया है और अभी बज रहे शाम के 4। तो अभी घर पे भंडारा लगाया था, तो हमारे इधर आस पड़ोस में जितने लोग हैं, बच्चे सब लोग आए थे, उनको भंडारा वगैरह दे दिया है, सब खा के चले गए। और मेरे मामी भी चली गई है, बीती भी चली गई है, तो आज एकदम घर खाली हो गया, बस नानी है। और पूजा अच्छे से हो गया मेरा, लौकी पूजा घर का, तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि वीडियो को अभी एंड करते हैं। तो फ्रेंड अभी थोड़ा मैं रेस्ट लूँगी और वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। तो सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और सब लोग लौकी पूजा अच्छे से मनाइए। तो आज हमारा लौकी पूजा है, हर घर घर में कोजागरी लौकी पूजा सब लोग ही बना रहे। तो मेरे जितने रिश्तेदार है आसपास में सबके घर में ही हो रहे हैं, तो इसीलिए मेरे घर में इस बार कोई नहीं आया है पूजा में। तो चलो, मेरे घर का पूजा तो हो गया बहुत अच्छे से और मेरा माँ लौकी आसन में बैठ गई है। और रेगुलर मैं अपना माँ लौकी का आप लोगों को दिखाऊंगी, पूजा करूंगी जब, मेरा मंदिर भी शेयर करूंगी। और मेरे मंदिर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके फ्रेंड। तो आज का वीडियो यही पे एंड करती हूँ। सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और शुभ लौकी पूजा सबको। लौकी पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तो बाय बाय।